Clowns. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सेंट्रल अर्जेंटीना के सूबे सैन लुइस में एक किसान ग्लैडी ओवियोडो का फार्म है, जहां उसने बकरे, भैंस और गाय पाली हुई हैं। एक हफ्ता कबल उसी फार्म में एक बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ये बकरे का बच्चा नॉर्मल नहीं था। इसकी आंखें नहीं थी और इसके होंठ इंसानों जैसे थे। इसका चेहरा ऐसा था कि ग्लैडी बेहद डर गया और उसने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। ये ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो किसी इंसान या जानवर को पैदाइशी हो सकती है, लेकिन ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लोग उस बकरे के बच्चे को देखने के लिए पहुंच गए। लोगों ने जब उस बकरे के बच्चे को देखा तो लोग बेहद डर गए और उन्होंने इस बकरे को शैतान कहना शुरू कर दिया और कहा कि ये आधा बकरा और आधा शैतान पैदा हुआ है, जिसको शैतान ने हमारे पास हमें मारने के लिए भेजा है। लेकिन ओवियोडो समझ गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसने गांव वालों को समझाया कि ये बकरा एक आम सा बकरा है, लेकिन इसका चेहरा किसी जेनेटिक गड़बड़ की वजह से ऐसा पैदा हुआ है। लोगों ने यहां तक मुतालबा कर दिया कि इसको इसी वक्त ज़िबाह कर दिया जाए, लेकिन ग्लैडी ने फैसला कर लिया कि वो उस बकरे को अपने फॉर्म में ही अपने पास रखेगा। ग्लैडी ने उस बकरे को उस गांव वालों से बचा लिया। ग्लैडी की बहू ने इस अनोखे बकरे की पिक्चर्स ली और सोशल मीडिया पे फैला दी और चंद ही घंटों में लाखों लोगों ने इस बकरे की पिक्चर्स देख ली और मीडिया में भी ये खबर आग की तरह फैल गई। कई अखबारों ने इस बकरे की पिक्चर्स को और इस स्टोरी को रिपोर्ट किया। अभी ये बकरा ग्लैडियो के फॉर्म में ही मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। बाय।